साक्षात पशु भी पुच्छ विषाण ही न, आप लोगों के लिए शब्द है स्वामी प्रसाद मौर्य की विशेषता है ये, साक्षात पशु भी पुच्छ विषाण ही न। आप विकास की बात नहीं करेंगे, अब आप इनकम की बात नहीं करेंगे, अब आप चलिए विकास की बात नहीं करेंगे, लेकिन सनातन को आड़े हाथ लेकर के जैसे जैसे चुनाव आएगा आप अपने असली रूप में आते जाएंगे। एक मिश्रा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं कि धरती पे बोझ हैं, तो जब ये भारतीय जनता पार्टी में तब ये बोझ नहीं दिखाई दिए। अल्टीमेटली फोकस जो है इनका सिर्फ और सिर्फ सियासत है। केपी मलिक साहब, आपने बोला जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे बोझ नहीं थे, जब तक सुषेण बैद और विभीषण राम की सेना में थे राम की तरफ वो बोझ नहीं थे। मैं बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा अब इनकी मति पलट गई है, क्योंकि ये अच्छे लोगों के लोकसभा चुनाव से पहले समाज में बोझ नहीं थे। चलिए अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी का असर, अश्विनी जी केपी मलिक साहब जो बात कह रहे हैं, में कुसंगत का असर दिखने लगा, इनकी बुद्धि पलट गई है। बुद्धि पलट गई है क्या अश्विनी जी? कुसंगति का असर है। अगर ये कल को फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे फिर बुद्धि पलट जाएगी। अच्छी संगत में रहेंगे तो सद्बुद्धि तो रहेगी। अच्छा अश्विनी, अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। साधु संतों के संगत में रहेंगे तो भगवान इनको सद्बुद्धि देगा। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए एक बयान उनका कोई सुना दे, एक बयान कोई सुना दे कि अगर इस तरीके का बोले हो, वो तो जैसी संगति का असर है। अभी मिश्रा जी ने कहा कि सुषेण बैद और वो जब तक उनके संगति में तो रावण की संगति में वो स्थिति होती है। लोगों की संगत की तुरंत मति पलट गई, उल्टा सीधा तो संगति का असर है। जब तक अच्छे लोगों की, साधु संतों की संगत में रहते थे, गंगा नहाते थे, सद्बुद्धि थी,